Friends, it's Tuesday and it is the turn for your English lecture. In our last lecture, we had started a nice and inspiring lesson of your textbook, and it is about the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam, our former Prime Minister and scientist of India. We all are proud of him. And in this lesson, we are learning about the childhood of such a legendary personality. Let's continue the lesson. In the last lecture, the first two lines we had done that I inherited honesty and self-discipline from my father. ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि मैंने ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. फ्रेंड्स, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन में रखूंगी. सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी इनहेरिटेड. लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेड वर्ड का मीनिंग सीखा था, जिसका मतलब होता है कि हमें आई इनहेरिटेड, मुझे मेरे को सीखने को मिला है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर एंड फ्रॉम माई मदर. मदर के पास से क्या सीखे थे वो? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सो मदर के पास से उसने क्या इनहेरिट किया था? फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मेरे तीन भाई और बहन और मैंने, ये सब क्वालिटीज मैंने अपनी माता पिता के पास से हमने सीखी थी. आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है. आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. रमनधा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये दो तीनों उसके क्लोज फ्रेंड थे. रमनधा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मिन फैमिलीज. ऑल दीज माई थ्री क्लोज फ्रेंड्स, दे बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज. वे तीनों फ्रेंड्स हिंदू फैमिली, ऑर्थोडॉक्स यानी ट्रेडिशनल, पुराने जमाने के ख्यालात में मानने वाले ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीन फैमिली से बिलोंग करते थे. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स. जब हम बच्चे थे तो हम में से किसी ने भी कोई डिफरेंस नहीं फील किया. किस चीज का डिफरेंस नहीं फील किया? रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, हमारे धार्मिक डिफरेंसेस. क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली एंड हिज थ्री फ्रेंड्स बिलोंग टू हिंदू ब्राह्मीन फैमिलीज, बट ये तीनों फ्रेंड्स ने कभी कोई डिफरेंसेस फील नहीं किया उसके अपब्रिंगिंग में. और रिलीजियस डिफरेंस कभी उन तीनों ने चिल्ड्रन जब थे वे तब उसने कभी फील नहीं किया था. इनफैक्ट रमनधा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. द रियलिटी वॉज दैट रमनधा शास्त्री वो रामेश्वरम के हाई प्रीस्ट के पुत्र थे. रामेश्वरम ये हमारा विश्व प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल है, उसके जो प्रिस्ट थे, उसके पुजारी थे, उसका बेटा था. लेटर ही टूक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. बाद में उसके फ्रेंड ने, आगे इसका मेंशन किया है, उसका नाम देखिए, क्या नाम है उसका? रमनधा शास्त्री. वो कौन थे? लक्ष्मण शास्त्री जो हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल थे, उसके सन थे, उसके पुत्र थे. लेटर ऑन जब उसके फादर की डेथ हो गई तब उसने रामेश्वरम टेम्पल की प्रीस्टहुड, यानी वो भी वो पुजारी बन गए. इतनी बड़ा नाम था उसका,
ये पिक्चर के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। उसके पास फादर के पास से उसने प्रिस्टहुड ले ली। अरविंदन वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट एंड विजिटिंग फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स यानी यात्रा करने वाले यात्रिक। पहला फ्रेंड वो क्या बन गया? रामेश्वरम टेम्पल का मेन पुजारी बन गया। दूसरा फ्रेंड अरविंदन था, वो उसने बिजनेस कर दिया, स्टार्ट कर दिया। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया? अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, यात्रा स्थलों की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का बिजनेस उसने शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशन जो उसका तीसरा फ्रेंड था बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, सदर्न रेलवे का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर वो बन गया। तीनों फ्रेंड्स थे उसके, जिसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें बताया। अरविंदन क्या बन गया? रामेश्वरम टेम्पल का हेड प्रीस्ट बन गया। फिर दूसरा वाला फ्रेंड था वो पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के कार्य में लग गया, उसका बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया। और शिव प्रकाशन वो तीसरा फ्रेंड था, उसने कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड राम फ्रॉम द टेम्पल ऑफ मेरिट साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पोंड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस। ये बहुत लंबा सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एनुअल श्री सीताराम कल्याणम, तो तमिल में कल्याणम का मतलब होता है मैरिज, शादी। तो एनुअल यानी वार्षिक, एवरी ईयर अरेंज होता था ये प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? सीता राम कल्याणम, राम और सीता का विवाह की जो सेलिब्रेशन था, सेरेमनी था, उस सेरेमनी में अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। स्पेशल प्लेटफॉर्म वाली बोट हमारी फैमिली अरेंज करती थी। तो स्पेशल प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए चाहिए था? फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड राम एंड सीता फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो टेम्पल में से राम और सीता की आइडल्स, आइडल्स यानी मूर्ति या प्रतिमा, ये हार्ड वर्ड्स आपको लिख लेने हैं, ओके? सीता और राम की आइडल्स यानी मूर्ति प्रतिमा टेम्पल में से लेकर मैरिज साइट तक लेने ले जाने के लिए एक बोट की व्यवस्था हमारा फैमिली की ओर से की जाती थी। और मैरिज साइट कहाँ पे थी? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस। तो मैरिज साइट थी वो हमारे घर के पास पॉन्ड यानी तालाब के बीच में, ये मैरिज साइट थी। और पोंड का नाम क्या था? राम तीर्थ। और राम तीर्थ अब्दुल कलाम के घर के पास था। तो सीताराम के कल्याणम यानी विवाह के लिए सेरेमनी में कलाम की फैमिली बोट अरेंज करती थी। ये बोट कैसी थी? विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म। व्हाई डिड दे नीड प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत थी? तो सीताराम की आइडल्स यानी मूर्ति प्रतिमा को टेम्पल में से लेकर मैरिज साइट तक ले जाने के लिए बोट की जरूरत थी, क्योंकि मैरिज साइट वॉज इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड। और पॉन्ड का नाम क्या था? राम तीर्थ। तालाब का नाम था राम तीर्थ। और ये राम तीर्थ हमारे घर से एकदम पास था। ये वाला जो पिक्चर है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स टू कैरी फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड राम फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। ये देखो, शायद ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिख रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम कॉस्ट्यूम में है। बाकी सब लोग आइडल्स को, मूर्ति को मंदिर में से ले जाकर तालाब के बीच में, जो मैरिज की सेरेमनी जहां पे होती थी, राम तीर्थ पोंड के बीच में, वहां ले जाने की व्यवस्था कौन कर रहा था? कलाम का फैमिली। इवेंट्स फ्रॉम रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माय मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। तो उसका पहला बैकग्राउंड, उसकी फैमिली,
राम सीता कल्याणम के लिए बॉट अरेंज करती थी। दूसरी बात, बेड टाइम स्टोरीज, रात को सोते समय समय उसके ग्रैंड मदर और उसकी मदर स्टोरीज करती थी। वो स्टोरीज भी रामायण की स्टोरी रहती थी या प्रोफेट की, पैगंबर की स्टोरी रात को हमारी माँ और ग्रैंड माँ हमें सुनाती थी। वन डे When I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक incident कलाम हमारे साथ share कर रहे हैं। One day when I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. A new teacher हमारे class में आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. And I always sat in the front row next to Ramandha Sastri. तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में नए टीचर आए और मैं मुस्लिम दिखने वाली एक टोपी पहनता था जिसे देखकर सबको पता चल जाता था कि मैं मुस्लिम हूँ। और मैं रमंधा शास्त्री कौन थे? रामेश्वरम टेम्पल के जो पुजारी थे उसके बेटे थे। मैं उसके पास बैठा था और वो वॉर क्या है? WORE वॉर, ये WEAR वेयर यानी पहनना, उसका V2 यानी पास्ट टेंस है। वेयर यानी पहनना, वॉर यानी पहनता था। तो वो वॉर, देखो ये कल्याणम वाली स्टोरी है। देखो ये जिसकी जे बोट की बारे में बात कर रहे थे ना हम, ये स्पेशल प्लेटफॉर्म वाली बोट है और यहाँ पे राम और सीता की आइडोल्स रखते थे और पॉन्ड के बीच में ले जाते थे। ओके, तो वो वॉर सेक्रेड थ्रेड, वो जनोई आती है ना, इसे क्या बोलते हैं? सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा। तो मेरा दोस्त रमंधा शास्त्री था, वो पवित्र धागा पहनते थे। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Could not stomach, ये right side पर आपको यहाँ पे उसका meaning दिया है, could not tolerate, ये जो नए teacher आए थे वो tolerate नहीं कर सके। क्या नहीं tolerate कर सके? Could not stomach यानी could not tolerate, वो सहन नहीं कर सके, tolerate नहीं कर सके। क्या नहीं tolerate कर सके? A Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अ हिंदू प्रीस्ट सन, हिंदू पादरी का बेटा मुस्लिम बॉय के पास खड़ा है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशियल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो फिर ये सोशियल रैंकिंग जो होता है कि हिंदू है और मुस्लिम का सोशियल रैंक अलग अलग है, तो उसने मुझे बोला कि आप पीछे चले जाओ। I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad and so did Ramandha Shastri. मुझे तो दुख हुआ ही, लेकिन उतना ही दुख मेरे दोस्त रमंधा शास्त्री को हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. Downcast यानी sad or depressed. जब मुझे लास्ट रो में, लास्ट लाइन में भेजा गया तो उसको भी बहुत दुख हुआ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मुझे लास्ट रो में भेजा गया तब वो जब रो रहा था, उसकी ये इमेज मेरे दिमाग में बहुत ही इफेक्ट कर गई और बहुत दिनों तक उसकी इफेक्ट मेरे दिमाग में रहे। After school, we went home and told our respective parents about the incident. जब स्कूल के बाद हम घर गए और मैंने अपने पापा को और मेरे दोस्त ने अपने पापा को, यानी कि रामेश्वरम टेम्पल के हेड प्रिस्ट को ये बात बोली। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, समन करना यानी जल्दी से बुलाना। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया इन अवर प्रेजेंस, हमारी हाजिरी में टीचर को बुलाया। Told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. बहुत ही अच्छी बात है। तो I am so sorry. तो रमंधा शास्त्री ने टीचर को बुलाया और हमारी प्रेजेंस में उसको बोला।
कि आपको यू शुड नॉट स्प्रेड, आपको स्प्रेड नहीं करना चाहिए. क्या स्प्रेड नहीं करना चाहिए? द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता एंड कॉम्युनल इनटॉलरेंस. कॉम्युनल इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस इट मीन्स असहिष्णुता. आपको ये कॉम्युनल इनटॉलरेंस को नहीं बढ़ाना चाहिए. आपको सोशल इनइक्वालिटी का पॉइजन ये इनोसेंट चिल्ड्रन के दिमाग में नहीं स्प्रेड करना चाहिए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Bluntly उसने टीचर को बोला कि आपके पास दो choices है, या तो आप apologize कर लो या school एवं ये रामेश्वरम का island है, टापू है, वो छोड़ के चले जाओ. Not only did the teacher regret his behavior, regret करना यानी पछताना, पछतावा होना. तो टीचर को उसके बिहेवियर से बिहेवियर का पछतावा ही नहीं हुआ, बट ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वे अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. कन्विक्शन इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ. तो लक्ष्मण शास्त्री ने अपनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ से टीचर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया और उसमें रिफॉर्मेशन, क्रांति आई. आप ये देख सकते हैं, ये नए टीचर हैं और फर्स्ट लाइन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज सिटिंग नियर हिज फ्रेंड हु इज द सन ऑफ हेड प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. एंड द टीचर डिड नॉट लाइक दैट अ मुस्लिम सन ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी का बेटा एक मुस्लिम बेटे के पास बैठा है. द टीचर डिड नॉट लाइक दिस. ये पूरा इंसिडेंट आपने समझ लिया. ऑन द वॉल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के सेग्रीगेशन के बारे में रामेश्वरम एक बहुत ही छोटी जगह थी. सेग्रीगेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग है सेपरेशन, अलगता. तो सोशल ग्रुप्स के अलगता में वो बहुत ही रिजिड थे. ये छोटा सा गांव था. हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल. लेकिन हमारे साइंस टीचर थे, क्या नाम था उसका? शिव सुब्रमण्य अय्यर. दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन, ही वॉज an orthodox brahmin and he had a very conservative wife. Conservative yani sankuchit, traditional wife thi uski. Wo rebel hua, rebel yani revolutionist, krantikari the. Orthodox the, hindu brahmin family mein se aate the. Uski wife bahut hi conservative yani sankuchit, traditional thi. Usne rebel kar di yani kranti kar di. He did his best to break the social barriers so that the people from varying background, people from varying background could mingle easily. Barriers यानी बंधन करता, social barriers जो तोड़ के various background के लोग एक साथ mingle करके मिलजुल कर easily रह सके, इसके लिए उसने बहुत ही बड़ा काम किया. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of big city. He used to spend hours with me. वो हमारे साथ hours spend करते, कलाकों के साथ मैं उसके साथ time spend करता था. And would say, और मुझे ये कहते थे, Kalam, I want you to develop. मैं आपको develop देखना चाहता हूँ, so that you are on par with highly educated people of the big city. आप big cities में highly educated people के साथ आप काम कर सको, मैं ये देखना चाहता हूँ. तो यहाँ पे हम आज का lecture finish करते हैं. ये ninth paragraph हम next lecture में next Tuesday मैं आपको इसका video भेजूँगी. तब तक के लिए जितने भी न्यू वर्ड्स मैंने दिए हैं वो आपको आपकी बुक में लिख लेना है.
मैं जब जो पीडीएफ आपको भेज रही हूँ वो भी आपको आपकी सीडब्ल्यू में लिखना है। तब तक के लिए स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फ्रेंड्स।